हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर 82ms से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कैलकुलेशंस में। सो फर्स्ट टिप इज, जैसे मान लो हमें इस टाइप का कैलकुलेशन करना है जहाँ पे आपके पास 10 की पावर्स हैं एंड आपके पास बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, तो आप जनरली क्या करोगे, आप यहाँ पे टाइप करोगे 5 इंटू, आप शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे 10 टू द पावर एंड 10 की पावर आप टाइप करोगे -10। सो ऐसे करने में, मतलब 10 की पावर लिखने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। अगर सिर्फ एक 10 की पावर है तब तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो, बट अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट भी होता है। आप इसकी जगह पर लिख सकते हो 5e-10। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इट इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹। तो आपको जब भी इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो आप 10⁻⁷ की जगह पे e का यूज़ कर सकते हो। सो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे 5e-10 मल्टीप्लाई बाय 3e5 डिवाइड बाय 2e15। तो यहाँ पे देखो, हमने अपना इक्वेशन बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही फास्टली यहाँ पे लिख लिया, हमें 10 की पावर बार बार शिफ्ट दबा के लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यही है, यहाँ इक्वल टू करेंगे तो देखो इसका आंसर ऐसे आ गया। सो आंसर विल बी 7.5 × 10⁻²¹। आप इस तरह बड़े से बड़े इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो एंड वहां पे आप 10⁻⁴ की जगह e का यूज कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और फीचर होता है इस कैलकुलेटर का, दैट इज स्टोरिंग अ वैल्यू। वो स्टोर कर सकते हो इन वेरिएबल्स के अंदर। देखो यहाँ पे A, B, C, D, E, F and X, Y, M, यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखो यहाँ पे 9 लेटर्स हैं। तो आप यहाँ पे टोटल 9 वैल्यूज को सेव कर सकते हो। तो ये सेव कैसे करेंगे हम वैल्यूज को इन वेरिएबल्स के अंदर, देखो जैसे मान लो हमें कोई नंबर सेव करना है 5, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ठीक है, रैंडम नंबर है एंड पॉइंट का वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ पे, मान लो ये नंबर है एंड इस नंबर को हमें स्टोर करना है इन 9 वेरिएबल्स में से किसी एक में। तो हम यहाँ पे इनको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले नंबर टाइप कर लिया एंड देन वी विल प्रेस शिफ्ट एंड यहाँ पे देखो RCL बटन के ऊपर लिखा है स्टोर, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम प्रेस करेंगे इस स्टोर बटन को। देन इसके बाद आपको जिस भी वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर करना है आप उस वेरिएबल को क्लिक कर दो। मान लो हमें इसको ए के अंदर सेव करना है तो हमने प्रेस किया ए, सो दिस शोज दैट ए के अंदर क्या वैल्यू आ गया जो हमने वैल्यू यहाँ पे टाइप किया था। सो अभी अगर हमें ए का वैल्यू वापस से यूज करना होगा या हमें ए का वैल्यू देखना होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल टाइप अल्फा। अल्फा प्रेस करके यहाँ पे देखो रेड कलर के जो लेटर्स लिखे हुए हैं, तो अल्फा प्रेस करने के बाद आप इन लेटर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ए को मैंने एक्सेस किया, ए टाइप किया यहाँ पे एंड वी विल प्रेस इक्वल्स टू। सो देखो ए में जो वैल्यू स्टोर था यहाँ पे आ गया एंड आप कैलकुलेटर ऑफ भी कर देते हो, जैसे मान लो हमने शिफ्ट करके ऑफ कर दिया एंड देन अगेन ऑन किया, तो इसके बाद भी ए के अंदर का जो वैल्यू होगा वो आपका सेव रहेगा। तो ये फीचर होता है, आप कोई भी वैल्यूज को इन 9 वेरिएबल्स के अंदर अलग अलग सेव कर सकते हो। तो मींस ये कैलकुलेटर 9 वैल्यूज को सेव करके रख सकता है। सो अगर कोई ऐसा वैल्यू है या ऐसा कोई नंबर है जिसे आप भूल जाते हो बार बार, आप इन 9 वेरिएबल्स का यूज करके 9 वैल्यूज तक को सेव कर सकते हो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। एंड इन केस मान लो अगर आपको वैल्यूज डिलीट करनी हो तो आप यहाँ पे जाना शिफ्ट क्लियर एंड 3 ऑल, सो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, क्लियर। आप देखो यहाँ पे अब ए में कोई वैल्यू नहीं होगा। सो कुछ इस तरह हम किसी भी वैल्यू को सेव कर सकते हैं सारे वेरिएबल्स के अंदर एंड अगर आप चाहो तो उनको डिलीट भी कर सकते हो। कई बार आप लोग क्या करते हो, जैसे कि मान लो इस टाइप का आपके पास कैलकुलेशन आ गया कोई, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल नंबर्स ले रहा हूँ बट मान लो यहाँ पे कोई ऐसे नंबर्स हैं, मान लो 10 की पावर्स में भी हैं, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ है एंड डिनोमिनेटर में इस तरह एक एक्सप्रेशन है, तो कई बार आप लोग क्या करते हो, डिवाइड करने के बाद आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को लिख देते हो। सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/6 × 3+2, सो ये तरीका गलत है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 1 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो जाएगा, बट ये प्लस टू ऑपरेशन बाद में होगा, बट हमें दिख रहा है कि हमारे एक्सप्रेशन में क्या है, ये 6 × 3+2 पूरा डिवाइड में है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप हमेशा ब्रैकेट्स का यूज़ करा करो, मींस अगर आपका कोई एक्सप्रेशन पूरा डिवाइड में है तो आप वहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे। आप लिखोगे 1/ या कोई भी नंबर जो आपको गिवन होगा डिवाइड बाय एंड देन आप लिखोगे यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो ये होगा सही तरीका। अब इसको जब आप इक्वल टू दबाओगे तब आपका सही आंसर आएगा। सो अब यही चीज़ स्क्वायर रूट के साथ भी होती है। अब मान लो कहीं पे आपको रिजल्टेंट निकालना है या फिर अंडर रूट निकालना है एक से ज़्यादा टर्म्स का, तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे हम करेंगे √2² + 3²
कई बच्चे ऐसे करके इक्वल टू दबा देते हैं सोच आंसर तो ये आ गया, बट ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने रूट लगाया है ये टू से तो लगा हुआ है, बट क्या थ्री से भी लगा है? नहीं। तो याद रखना जब भी रूट में एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे तब क्या करोगे, रूट के बाद आप ब्रैकेट टाइप करोगे, देन आप लिखोगे टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3.6 इस तरह। ठीक है, तो जब भी रूट के अंदर या फिर डिवाइड के बाद एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो आप ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर करना। सो अब हम देखने वाले हैं यूज़ एक बहुत ही स्पेशल बटन का जो कि कभी कभी हमें बहुत काम आता है, जो होता है डेसिमल टू फ्रैक्शन बटन। जैसे मान लो आपका किसी क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 3.56, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, मान लो ये आपका आंसर आ रहा है, एंड आपको यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू नहीं चाहिए था, मान लो आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए था। सो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इस कैलकुलेटर में एक फीचर दिया होता है, आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। देखो ए बी बाय सी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है डी बाय सी। सो आप चाहो तो इस पॉइंट वाले वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शंस में। आप प्रेस करो शिफ्ट एंड देन इस बटन को प्रेस कर दो। सो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अपने फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो एक बटन के प्रेस से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में, एंड वापस से अगर आपको ये पॉइंट में चाहिए तो आप फिर से इसको प्रेस कर दो। एंड आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप बिना शिफ्ट के इसको प्रेस करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू में। सो ये आ जाएगा थ्री होल, पहला वैल्यू होल नंबर है एंड देन 14/25। ठीक है, तो इस तरह आप चाहो तो किसी भी पॉइंट वाले वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप शिफ्ट प्रेस करो एंड देन इस बटन को प्रेस करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने फ्रैक्शनल वैल्यू में। सो अगर आपने मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम या फिर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर पढ़ रखा है सो आपको पता होगा दैट आपको कई बार एनसीआर या फिर कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो एनसीआर का वैल्यू हम कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसका फॉर्मूला याद करो एनसीआर का एंड वहाँ पे वैल्यूज फैक्टोरियल निकाल के तब निकालो, आप डायरेक्टली एनसीआर का वैल्यू निकाल सकते हो। सो अगर मान लो आपको 5C2 का वैल्यू निकालना हो तो 5C2 का वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हो, आप प्रेस करो 5 एंड यहाँ पे देखो एक बटन दिया हुआ है एनसीआर, इसी फीचर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वी विल टाइप सी, एनसीआर बटन को प्रेस कर देंगे एंड देन टाइप करेंगे 2। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 5C2 एंड जब इसको हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5C2 का वैल्यू। सो इसी तरह आप किसी भी कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे 4C2 का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे 4 देन एनसीआर बटन देन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4C2 का वैल्यू, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखो ये आ गया 4C2 का वैल्यू। आप यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर सकते हो, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में फर्स्ट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा एंड सेकंड वाला नंबर हमेशा छोटा होगा। अगर आप पहले वाला नंबर छोटा कर दोगे बाद वाला नंबर बड़ा कर दोगे तो ये सरल आ जाएगा। तो जब भी आप क्लास 11th एंड 12th में आते हो तो वहाँ पे आपको कई बार एंगल्स को रेडियंस में मेजर करना होता है, कई जगह आपको एंगल जो होता है डिग्री में ना देके रेडियंस में दिया होता है। सो जैसे मान लो अगर आपको साइन पाई बाय 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, मान लो कहीं पे आपको आ गया कि साइन पाई बाय 2 का वैल्यू बताना है या साइन 3π/2 का वैल्यू बताना है, सो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे टाइप करोगे साइन पाई बाय 2, बट इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.027, बट क्या एक्चुअल में इतना आएगा वैल्यू, नहीं। साइन पाई बाय 2 का मतलब रेडियंस में कितना होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्रीज एंड यहाँ पे पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, बट यहाँ पे तो कितना आ रहा है 0.027। अब यहाँ पे ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेटर आपका पाई को एज अ रेडियन नहीं ट्रीट कर पा रहा है। सो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा कैलकुलेटर का मोड, आप यहाँ पे मोड में जाओ एंड मोड पे आप सेट कर लो रेडियंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया तो रेडियन में हम आ गए, देखो यहाँ पे आर लिख के आ गए हैं यहाँ पे ऊपर, तो हम रेडियंस में आ गए। अब जब हम टाइप करेंगे साइन पाई बाय 2, सो अब यहाँ पे पाई का वैल्यू रेडियंस में ट्रीट होगा एंड पाई बाय 2 का मतलब हो जाएगा 90 डिग्रीज, सो साइन 90 कितना आता है 1, तो यहाँ पे अब जब आप इक्वल टू प्रेस करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे पाई एज अ रेडियन ट्रीट होगा नॉट एज अ वैल्यू। एंड मान लो अगर आपको कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस 2π, सो 2π विल बी 360, तो कॉस 360 कितना होता है 1, सो इक्वल टू प्रेस कर दो, देखो कितना आ जाएगा 1। तो जब भी आपको पाई का वैल्यू एज अ रेडियन ट्रीट करना है सो आपको कैलकुलेटर का मोड चेंज करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। मोड आप कैसे चेंज कर सकते हो, मोड में आप जाना एक बार और प्रेस करना तो ये आ जाएगा डिग्री रेडियन एंड रेडियंट। आप ग्रेडियंट का यूज़ आपको नहीं पड़ेगा ज़्यादा, आप डिग्री एंड रेडियन में चेंज कर सकते हो। सो वापस से डिग्री में आने के लिए आप 1 प्रेस कर दो तो यहाँ पे देखो डी लिख के आ जाएगा ऊपर, सो हम आ गए हैं डिग्री मोड में। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप फिर से मोड में जाओ एंड चेंज कर लो इसको, 2 प्रेस करके हम रेडियन मोड में फिर से आ सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं।
अब कई बार आपके पास सिचुएशन ऐसा आता है कि मान लो आपका आंसर ऐसे आ रहा है tan theta is equals to एंड आपको theta का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दैट इफ tan theta is equals to 4/3 तो आप tan का इनवर्स कर सकते हो बोथ साइड्स। सो इस साइड tan एंड tan इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा theta एंड दिस साइड क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। सो अब आपको बेसिकली tan इनवर्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे tan की जगह हो सकता है cos हो sin हो, ठीक है कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे अगर हमें tan इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देखो इनवर्स फंक्शन दिए हुए हैं, साइन कॉस एंड टैन है, इन तीनों के ऊपर इनके इनवर्स फंक्शन यहाँ पे दिए होते हैं। सो अगर आपको इनवर्स टैन का यूज़ करना है तो आप पहले शिफ्ट को प्रेस करोगे एंड देन प्रेस करोगे टैन इनवर्स, ठीक है टैन को आप प्रेस करो तो टैन इनवर्स आ जाएगा शिफ्ट प्रेस करने के बाद, देन ब्रैकेट हमें वैल्यू किसका निकालना है 4/3 का इस केस में। सो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 4/3 तो टैन इनवर्स ऑफ 4/3 विच विल बी इक्वल टू 53.13। इस तरह आप कॉस इनवर्स निकाल सकते हो, साइन इनवर्स निकाल सकते हो, किसी का भी इनवर्स निकाल सकते हो। सो यहाँ पे हमारा वैल्यू देखो इतना आ जाएगा, तो आप इनवर्स फंक्शन का भी वैल्यूज निकाल सकते हो यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं कैलकुलेटर को ऑफ कैसे करेंगे। सो बेसिकली अगर आप कैलकुलेटर को ऑफ ना भी करो तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बट अगर आप मैनुअली ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप शिफ्ट को प्रेस करो एंड यहाँ पे AC को प्रेस कर दो, सो ये ऑफ हो जाएगा।